अरे हरिया, मैं क्या बोलता हूँ, अमेरिका में डिप्रेशन बहुत डिप्रेशन होता है, इसलिए तू क्या करना, हर 10-15 दिन में हमें कॉल करना, अगर कॉल नहीं करेगा तो मिस कॉल मारना, वरना हम ही तो कर लेंगे। ए जिगर, सिगरेट निकालना। हाँ, आखिरी बार साथ में सिगरेट पी थी। सही बोल रहा है भाई। हाँ सही बोल रहा है। मुझे दो। अरे हरिया, तू सिगरेट पीता है क्या? तेरे पिताजी जानते हैं ये सब? हाँ, रोज एक दूसरे के मुंह पर धुआं मारते हैं ना, जैसे वो लोग। बोलता हूँ यार, रोज ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। अरे यार, आज तो मजा आ गई भाई। और वैसे भी पर्सी को जब पिलाई है तूने, देख देख। अरे राहिल, चल यार एक पैक बना यार। खत्म हो गया यार सब कुछ। हाँ, बाटली खत्म, खेल भी खत्म, समझ गया? हाँ, खत्म हो गया है सब कुछ, खत्म हो गया है। कॉलेज खत्म हुआ तब से सब कुछ खत्म हो गया है। यार ये पारसी पागल है। उसका टेप हमेशा कॉलेज पे अटका रहता है। तो क्या सिर्फ उसका कॉलेज थोड़ी खत्म हुआ है भाई? तुमने इसके कैट का स्कोर देखा भैया? बिल्ली चूहे को खा गई है। खा गई। ए जिगर, कैट सब ऐसी ही होती है। वो रणबीर के हाथ में आई? नहीं। अरे और उसे बॉलीवुड में लाया किसने? सलमान भाई। उसके हाथ में आई? नहीं। तो मिस्टर बलून के हाथ में थोड़ी आएगी। ए मेहुल यार, तू फालतू में परेशान मत कर उसे। हाँ हे परसी। 12 बज गए। ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने तुम्हें बोला था ना, कैट वैट के चक्कर में मत पड़ना। कैट 3 लाख लोग देते हैं। कितने? 3 लाख। और तुम्हारा क्लियर करना तो बहुत मुश्किल है। हमारे लिए भारत में कोई स्कोप नहीं है, समझे? जिंदगी तो सिर्फ बाहर है बॉस। हाँ बॉस साहब, तो आप ही हो ना। क्या कहा था, अमेरिका जाओगे? तो फिर क्यों पड़ा है यहाँ पर साला? NRI, नॉन रिक्वायर्ड इंडियन। नॉन रिक्वायर्ड इंडियन। फटा? हाँ, बलून फट गया। तुम अपने कॉलेज आईडी पर अमेरिका नहीं जा सकते हो। उसके लिए वीजा चाहिए, वीजा। और मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ए अरिया, फाइल कब सबमिट कर दी? और क्या। हाँ, और मेरा इंटरव्यू भी कल ही है। बॉस याद भी तो काम कर रहा है, हमें बाद में भूल मत जाना। हाँ देख, ये सब ठीक है, बराबर है वो सब, लेकिन मुझे ये बता, वहां जाके करेगा क्या? धक्का मुक्की। चुप। मैं एक होटल खोलूंगा। होटल के हरीश। बटवा चेक करो इसका। अरे अभी आया यार, एक मिनट रुक जा, आ रहा हूँ। ठीक है यार। लाला अपना वॉलेट दिखा जरा। ओ ये लो। लाइसेंस चेक कर, लाइसेंस। ओ, ओ भाई, इसमें अपना नाम पढ़ो जरा। नाम में क्या गलत है? मैं पढ़ता हूँ ना फिर, हरीश बी पटेल। तो पटेल साहब,
अमेरिका में कौन जाने देगा। रंग रंगीली चल छबीली मनमोजिली अपनीली लचक लचीली सहज हठीली थोड़ी सी ली अपनीली अपनीली बच्चू भाई अकेलीली अपनीली बच्चू भाई अकेलीली न्यूज पहला बाचे डॉलर उछले तो ये नाचे जोक्स ना मैट्रिमोनियल्स बाचे ग्रीन कार्ड ना ख्वाब मराचे हरिश आराम करे जे ग्रीन जवानों काम करे जे इश्क देव ने आरा दे जे पुत्र रत्न ने पंपाले जे रात दिवस नमन मावागे दिवस में नमन मावा के बोली डॉलर नी सुरीली लिबर्टी माता नी गर्भे बापे गाई पुत्र झीली आप मिली बच्चू भाई पटेली शुके बुजिग्नेश ने माते स्कूटर जेने भारे लागे अरे तारा थी न पापड़ भांगे मेरो सवारे जा मुझे नहीं पता था कि काम के वक्त तुम देख रहे होंगे वन एक्स बैट के नए एम्बेसडर को। सबको अच्छा लगा जब इवा एल्फे वन एक्स बैट की नई एम्बेसडर बनी। ए आवाज कम कर रहे। हाँ बताइए सेठ जी, बड़े दिन बाद फोन किया भाई। वाह क्या बात है, आपने तो हमारी आवाज ही पहचान ली। अरे मोटल किंग भाई, तुम हमें भूल सकते हो, हम तुम्हें नहीं। और अमेरिका में तो बस तुम ही हो भाई, और जल्द ही मेरे पास दो होंगे। अच्छा, मैंने हरीश को अभी अभी स्टेशन पर छोड़ा, उसका वीजा इंटरव्यू कल है और सीधा अमेरिका में ही होगा। अरे वाह क्या बात है, ये तो अच्छी खबर है। तुम सालों से ये कह रहे थे ना, जब मैं आऊंगा तभी तुम्हें विश्वास होगा ना। लो मैं आऊंगा। चलो फिर हम फिर मिलेंगे। अरे हाँ बिल्कुल मिलेंगे। बाय 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 बाय। जो भी हो। अरे बच्चू, अरे ईश्वर ये क्या है, शादी में तुम घोड़ा चलाने वाले हो क्या? अरे यही समझ लो, लेकिन इस बार घोड़ी पर नहीं जहाज पर चलेगा दूल्हा। लेकिन पैसे और दस्तावेज का क्या? अरे किसी कागज की जरूरत ही नहीं है, हम बस पैसा खर्च करेंगे तो वो खुद ही हो जाएगा। वो क्या है कि पैसे से सब इंतजाम हो जाता है भाई। यार ईश्वर, हाँ देख यार, मैं अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया हूँ भाई। अरे ऐसा नहीं चलेगा यार, ऐसा मौका दोबारा थोड़ी आता है। अगर पैसा है तो अमेरिका तो बिल्कुल दूर नहीं। हाँ ऐसे ही है, चलो चलते हैं। ऐसा ना, एक बार बस ये दो ऑर्डर मिल जाए ना, मेरे पास यूएस जाने के लिए पैसे हो जाएंगे। अरे वाह। हेलो। अरे बच्चू मैं ईश्वर बोल रहा हूँ, सुन सकते हो ना तुम मुझे? अरे अरे ईश्वर,
कहाँ हो यार भाई? मैंने तुम्हारा कई बार कोशिश की फोन मिलाने की, लेकिन हुआ ही नहीं। यार ये सब इतना अचानक हुआ कि मैं तुम्हें बता ही नहीं पाया। हाँ लेकिन तुम कहाँ हो? मैं अमेरिका में हूँ। क्या तुम मुझे बिना बताए चलेकर, मुझे साथ लिए बगैर? जैसे मैं यहाँ पहुँचा तो शारदा मर गई भाई। बच्चों मुझे अपने देश की याद आती है, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ भाई। हेलो तुम्हें सुनाई दे रहा है क्या? अब निकल जाओ, तुम्हारा वीजा रिजर्वेशन हो गया ना, अब जाओ। हम वहाँ घूमने नहीं जा रहे, मेरे पति का इलाज करवाना है। मुझे कुछ नहीं पता, वहीं मुझे रहता कुछ नहीं पता है। हाँ जाओ आप यहाँ से, अब हो गया ना, चले जाइए यहाँ से। ऐसा होता है जब एक बेटा अमेरिका जाता है, बेटा वहाँ ऐशो आराम में खुश होता है और माता पिता यहाँ पर बीमार होकर घूमते हैं। अभी हमें यूएस वालों ने वीजा दे दिया होता तो फिर क्या होता? क्या कहना है आपका इस पर? तुम सही हो, मैं अपनी पूरी फैमिली साथ में लेकर जाऊंगा। टोकन नंबर 31 हरीश बी पटेल। टोकन नंबर 31 हरीश बी पटेल। सर वीजा के लिए। हाँ क्या मैं तुम्हारी फाइल्स देख सकता हूँ? नौजवान क्या तुम अपना मुझे अपना पूरा नाम बताओ? हरीश बच्चू भाई। हरीश बच्चू भाई। क्या कहो? हरीश बच्चू भाई पटेल। मिस्टर पटेल, आपके एप्लीकेशन में लिखा है के हिसाब से आपका मिडिल नेम जो है नाम सिर्फ बच्चू है, ना कि बच्चू भाई नहीं। सर भारतीय संस्कृति में हम उसे पापा नहीं कहते हैं। मेरा मतलब पापा बच्चू है लेकिन बच्चू नहीं बुलाते हैं, ये बच्चू भाई है। रिस्पेक्ट। अच्छा ये तो अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मिस्टर पटेल पटेल। सर बैक। फिर से शुरू करता हूँ। मिस्टर पटेल, यूएसए में क्या होता है ना कि पटेल लोग बहुत ही फेमस होते हैं। वो फेमस होते हैं क्योंकि वो यूएसए तो जाते हैं लेकिन कभी वापस नहीं आते। देखिए आप बताइए कि आपका यूएसए जाने का इरादा? नो टेंशन सर, खुश हूँ। देखिए काम क्या आपका, यूएसए जाने का रीजन क्या है? सर मैं वहाँ पढ़ाई करना चाहता हूँ और मेरे पटेल भाइयों की बिजनेस में भी मदद करना चाहता हूँ। धीरे धीरे मैं भी एक दिन अपना मोटल खोलूंगा सर। अच्छा तो जैसा कि कहते हैं ईमानदारी सच्ची नीति है। भूल जाओ उसे। अब बताइए मुझे कि क्या कोई भी आपकी फैमिली में से पहले कभी यूएस में गया है? बताइए। No. नहीं। हाँ लो कोई बात ठीक है। नहीं मैंने कहा नहीं। ऐसा कुछ है जो तुम नहीं जानते हो? हाँ सर मुझे नहीं पता मराठी। जय श्री कृष्ण। क्या करूं? ओह
उसने क्या किया, उसने क्या किया हरीश के मोटल के बारे में क्या? ना, अरे अरे हरीश ऐसा मत। ये क्या बकवास है? तू कमजोर है क्या? किसी काम के नहीं हो। अरे भाई साहब शांति रखिए, लड़का जवान है कुछ कर बन लेगा, शांति रखिए। तुम इसे कैसे हैंडल करोगे? एक सेकंड पहले तो तुम चिल्ला रहे थे, रोको रोको, तुम जाओ ना यहाँ से बाहर। अरे मेरी बात, अरे बाहर जाओ यहाँ से, चलो चलो जाओ, जाके चाय पियो। अरे करो जो करना है आपको। अभी तक कोई नहीं मरा, तेरा बाप अभी जिंदा है, चल बाहर निकल यहाँ से और सबको भेज वहाँ से। चलो 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 जयंती काका, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है यहाँ पर। हाँ बाय 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 बाय। चिंता मत कर लाला, हम सब संभाल लेंगे। हेलो मुकेश भाई, बच्चू बोल रहा हूँ। अरे बच्चू पटेल भाई, भाभी मैं ईश्वर हूँ, कैसी हो? अरे ईश्वर भाई कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? भारत वापस आ गया? अरे कब आए? आज सुबह ही वापस आया। कहाँ रह रहे हो, घर आ जाओ। अभी थोड़ी देर पहले ही होटल में आया हूँ, अभी चेक इन किया। अरे पर होटल में क्यों, ये तुम्हारा ही घर है। भाभी तुम्हें तो पता है ना, मैं उसे घर मानता हूँ लेकिन बच्चू मुझे फैमिली नहीं मानता। एक बार मैं उससे मिल लूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं वहाँ पर आ भी जाऊंगा। अच्छा लगता है, जल्दी आ जाओ। हाँ हम तुम्हारी वेट करेंगे। हाँ अरे ठीक है, बात करने के लिए बहुत कुछ है, मैं जल्दी आता हूँ। ओके बाय बाय। हाँ हम जल्द ही जाएंगे बेटा। पापा हाँ, काश मम्मी यहाँ होती। हाँ बेटा मैं भी सोचता हूँ, वैसे भी मुझे अब तो जाना होगा। हम वैलेट सिटी में तुम्हारे लिए एक अच्छा घर ढूंढ लेंगे। ओके समझे, और तुम्हें अगली बार सिर्फ मेरे साथ चलना होगा, वो जगह तुम्हें अच्छी लगेगी। मुझे पता है आप क्या बोल रहे हो डैड, ये वॉल सिटी नहीं पोल है। अरे तो तुमने अभी से एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया इस जगह को, क्या बात है। हाँ मैं बहुत उत्साहित हूँ। देखो बच्चू भाई, कई बार आपका वीजा जो रिजेक्ट होता है ना, उसका कोई खास कारण नहीं होता है। अब आपके कागज तैयार हो, फुल प्रूफ हो, और तब भी आपका वीजा रिजेक्ट हो, ऐसा भी होता है। मतलब हरीश इसमें निराश नहीं होते हैं बेटा। आई थिंक आपको कोई अच्छा वीजा एजेंट लेना चाहिए। हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अरे लेकिन कोई और मदद मिल सके तो, जैसे कोई दूसरा और रास्ता हो तो। बच्चू भाई रास्ते तो बहुत सारे हैं, मगर आप उस रास्ते पर मत जाओ, तभी अच्छा है। लेकिन मुकेश भाई, ये हरीश के डॉक्यूमेंट है जिसमें तुम्हारा कोई मुंबई के कॉन्टेक्ट में अगर कोई मदद मिल पाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप मेरे भरोसे मत रहिएगा, मैंने ये काम काफी वक्त पहले छोड़ दिया है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कुछ भी हो मैं अपने बेटे को अमेरिका जरूर भेजूंगा। बच्चू तुम्हारा,
हरीश बच्चू भाई पटेल। उठ रहे बेवकूफ। हेलो, हाँ अल्पेश भाई, जरा एड्रेस देना अपना। अमेरिका में जाएंगे आप? अरे भाई ऐसे इंस्टॉलमेंट नहीं होती है, एक साथ ही पेमेंट करनी पड़ती है। मैं तुमको अमेरिका इंस्टॉलमेंट में नहीं भेज रहा हूँ। अरे भाई ये सब क्या कर रहा है तू, फिर से कर, अच्छे से कर। हाँ हेलो, अरे भाई अपना काम तो अप टू डेट ही होता है। आप आकर देख लो, लोग कितने पापड़ बेलते हैं अमेरिका में जाने के लिए। हाँ और लोग कितने उतावले हैं आप जानते हैं। हाँ ओके ओके। हाँ आप में से अमेरिका कौन जाएगा? हाँ मैं अपने बेटे हरीश को भेजना चाहता हूँ। हाँ हरीश, हरीश बोल भाई, तुझे क्या आता है नाचना गाना, क्या आता है तुझे? बोल 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 ना रे। मैं वो सब और बहुत कुछ कर सकता हूँ। ओ मेरे सुपरस्टार, कोई बात नहीं, कल आइए, कल हम देख लेते हैं, ठोके। हाँ राजू भाई हेलो, चलो पापा चलते हैं। बचपन से मैंने एक सपना देखा था कि अमेरिका में जाकर रहूंगा और वहीं पर जीपे करवाऊंगा। पापा हम चलें? जरा रुको, पूरी एक्टिंग देख कर जाते हैं। मैं तुम्हें कैंसल। कौन है ये वक्त का इशारा? दबाओ जाओ। हेलो सर। हाय। आप कैसे हैं? आई एम फाइन। तो आपको यूएस जाना है? अमेरिका जाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत समझौते करने पड़ते। बेवकूफ, अरे इसको ले जाओ कोई। कैसे साहब? हाँ आइए आइए, बैठिए बैठिए। कैसी है भावना, सब ठीक है ना? आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, रिपोर्ट्स पॉजिटिव है। जिग्नेश भाई आप पिता बनने वाले हैं जल्दी। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ये बच्चू ऐसा कहाँ अटक गया, क्या आया ही नहीं? वो कहीं अटका नहीं है, उसे ऐसा लगता है कि अगर वो यहाँ पर आया तो फिर ये काम नहीं करेगा। भाई के साथ भी यही हुआ था। तेरा अमेरिका जनक कहाँ तक पहुँच गया? मैं क्या कहूँ बाबा, मैं इन दिनों नाचता और गाता ही हूँ। लाइंस दिखा, बाल ऊपर करो। तुम्हें वहाँ बहुत फायदा होगा, कुछ खाने पीने से लेना देना है? वहाँ मोटल खोलना है बाबा, मुझे मोटल किंग बनना है। तैयारी शुरू कर दे फिर। कौन सी तैयारी? प्लान, बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान? न्यूयॉर्क, डेट्रॉइट, शिकागो, एले, बोलो कहाँ की लड़की दिखाऊँ आपको? न्यूयॉर्क। ये लो न्यूयॉर्क वाली एल्बम, पसंद कर लो। आहा वाह, ये अच्छी है। बेटा हरीश ये देखो, तुम्हें ये लड़की पसंद है? अरे मम्मी वो भी कोई लड़की है। तो बेटा तुम ही बताओ तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, हमारे पास स्टॉक है पूरा पूरा। देखो पकड़ो, मुझे उसके जैसी लड़की चाहिए, कोई पता है? अरे अरे सुनो तो पंडित जी क्या कह रहे हैं। कहां से लाते हो ऐसे जोकरों को, मस्त आइडिया आया है मेरे दिमाग में। अब ध्यान से सुनो, अमेरिका के लोगों का मतलब है जो यहाँ से गए हैं वो आज भी खाखरा और थेपला खाते हैं, है कि नहीं? हाँ ठीक है। भाभी आप सबसे अच्छे खाखरे बनाती हैं तो आप ही बनाओगे। अरे मम्मी आप सबसे अच्छा थेपला बनाती हो तो आप ही बनाओगी। हम उन्हें यहाँ पर बनाएंगे और अमेरिका एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे मैकडोनल्ड, सबवे, इन सब की तरह हमारी भी अपनी चेन होगी। और इसमें हम वैरायटी भी बहुत सारी रख सकते हैं, जैसे थेपला बर्गर और सलाद खाखरा भी।
बराबर है ना? मैं सुबह दोपहर रात को आधी रात को सोना उठना जागना बैठना हर वक्त जब वो खाएंगे तो उन्हें इसकी आदत हो जाएगी। हॉलीवुड से लेकर व्हाइट हाउस तक सब जगह वो सिर्फ पटेल के खाकरा और ठेपला ही खाएंगे। माँ के हाथ के खाने को कौन ही हराएगा? वाह। हाँ, और आपका भी। बोलो, कोई सवाल? हाँ, एक सवाल है मुझे। बेटा, तुम कितने पैसे उड़ाओगे जरा? सच बोलना, ठीक है? बिना किसी रुपए को लगाए पैसा कमाना सीखो बेटा, ना कि हमारा पैसा बर्बाद करो जो है। कितना बकवास आइडिया है, जाके अपने कपड़े बदल ले, चलो जाओ। अरे ज्योत्सना, आज मैं लेट हो जाऊंगा, हमें शाम को मीटिंग अपडेट देना है। दोस्तों, अब मैं कैसे इंसान को इनवाइट करूंगा जिसका परिचय देना सूर्य के सामने टॉर्च पकड़ने के समान है। और हम गुजरातियों के लिए उन्होंने बहुत से काम किए। स्वागत है मोटेल किंग का, हमारे ईश्वर भाई पटेल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दोस्तों और भाइयों। मैं अपने देश में आकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। कोई दुनिया में कहीं भी रह ले, मगर उसे आना तो पड़ता वही है। और अब सब कुछ मैं लेकर आना चाहता हूँ अपने घर पर वापस यही। इसके अलावा गुजरात ने अब दुनिया में अपना मार्क बना दिया है, जिस बाहर की MNC कंपनी भी यहाँ पर पैसा लगाना चाहती है बहुत ज्यादा मात्रा में। जब मैं वहां वापस जाता हूँ, मैं अपने बहादुर गुजराती भाइयों को वहां पर विश्वास दिलाऊंगा कि भाइयों, यही समय है अपने देश को कुछ वापस देने का। थैंक यू, जय गुजरात। चलो बस हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे देखो तो सही, हमारा ईश्वर मेहुणा से कहां पहुंच गया। हा? कितनी अच्छी बात है। हा? और अभी तो लगता है हमारे गुजरात का कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। बस सपने देखते रहो, प्राय दुमान्य ऐसे ही लोगों को बोलते हैं ताकि तुम्हारे जैसे लोग भाग उन्हें सुनकर खुश होते रहें। अरे बच्चू, देख वो ऐसे ही अमेरिका पहुंच गया और तू यहीं पर रह गया। अरे यही बात तेरे दिमाग में नहीं जाती है ना, ठीक है? अरे भाई, ये तो नसीब नसीब की बात होती है। हे ईश्वर, तूने देखा? तू बहुत ही सुंदर है। अरे बेवकूफ, तुम्हारी वजह से ही तो ये सब सुनना पड़ता है मुझको। तू क्या स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह खड़ा है यहाँ पर, चलेगा नहीं? चल यहाँ से चलते। अरे रुको पापा, ईश्वर अंकल इसी तरफ जा रहे हैं। चुप रहो और साथ चलो मेरे। क्या ईश्वर अंकल का बहुत हुआ गया, चल यहाँ से। क्या ईश्वर, तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। हाँ, मैं भूल गया। सुनो, क्या हुआ? चाय पियोगे? मैंने अभी तो पी थी। उनकी बेटी है। वही तो मैंने कहा था तुम्हें। हाँ नहीं, तुमने कहा था, मुझे पूछना था। वो अब बड़ी हो गई है, हमारे हरीश की उम्र की होगी ना? वो तो अभी भी छोटी है ना, तुम्हारी दिमाग की तरह। जाओ दरवाजे पर देखो कौन है। अरे ईश्वर भाई, तुम? अरे भाभी, कैसी हो? मजे में ना? एकदम बढ़िया। ये हमारी बच्ची है। कितने साल की हो बेटा? भाभी, अब ये बच्ची नहीं है, अब ये जवान औरत है। लेकिन मेरे लिए तो वो सेम ही है। अरे हम अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ, प्लीज आओ, प्लीज आओ। चलो। अरे सुनो। अरे वाह भाभी वाह, मजा ही आ गया। सच में सालों बाद इतना मजा आया। घर का खाना तो घर का खाना ही होता है भाभी। अब सबको एक साथ देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे अमेरिका में ये सब कुछ याद आया। अरे बच्चू, यहाँ पर जो है वो कहीं नहीं मिलेगा। ईश्वर अंकल, कैसे हो आप?
अरे हरीश, तुम कितने बड़े हो गए हो यार। देखो ये तो स्मार्ट भी हो गया अब। पापा वहां बैठ जाइए। अरे यार हरीश, मैंने सुना है कि तुम यूएस जाने की तैयारी कर रहे हो। हाँ अंकल, बस वहाँ एक मोटेल खोलना चाहता हूँ मैं। अरे बच्चू, तुम यार अभी भी मोटेल के पीछे हो ना? अरे बिल्कुल नहीं यार सके। हरीश, छुट्टी मनाने अमेरिका आ जाओ। अंकल जैसे ही आप मुझे बुला लोगे। हरीश, आयुष एक दोस्त की तरह है, तुम दोनों दोस्ती बढ़ाओ। हाँ आयुषी, हरीश का कमरा सचमुच ठीक है, पूरा अमेरिकन। ओ सच में? हाँ, मैं तुम्हारा कमरा देखना चाहती हूँ। चलो आयुषी बेटा, देखो तो गलत कर मार, सही से बोलो। पापा जाओ बेटा। चलो भी सॉरी, क्या तुम्हें मेरा रूम पसंद आया? हाँ ये इंटरेस्टिंग है, तुम स्पोर्ट्स खेलते हो ना? हाँ। इतनी सारी ट्रॉफियां और पोस्टर, बढ़िया। ए तुम बैठ जाओ ना। ओ थैंक्स। सिट। मैं पहले खेलता था लेकिन अब मुझे खेले हुए टाइम हो गया है, अब मैं यूएस जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ओ तुम यूएस जा रहे हो पढ़ाई के yes. लिए, बढ़िया है। तुम मुझे वहां घुमाओगी ना? हाँ पक्का। बढ़िया। तुम्हारा क्या प्लान है? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना कह सकती हूँ भारत बहुत रोमांचक है। अच्छा। और मैं बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, तुम मुझे ले जाओगे? हाँ हाँ, हो सकता है मेरी गुजराती भी अच्छी हो जाए। हाँ ये होगा। तो तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? मेरे साथ अमेरिका। क्या? मेरा मतलब अपना नंबर दो, मैं कॉल करूंगा। हाँ मैं कर दूं। तुम्हारा नाम क्या है? हरीश। बच्चू भाई पटेल। नहीं 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 एनआरआई लड़की बिल्कुल ग्रीन कार्ड के बराबर है। हाँ। ये बढ़िया नंबर है। तो बेटा आज यहीं रुकोगे ना तुम? वो अभी बाहर जा रही है ना? हाँ। नहीं भाभी अब जाने का समय हो गया। अरे बैठो ना, जल्दी क्या है? अरे नहीं भाभी, देखो जरा देखो कितनी मस्त, देखो किस तरह मुस्कुरा रही है। जब से भारत आई है तब से अब ही मुस्कुराई है बेटी मेरी। तुम लोगों को प्लांस बनाकर आना था। अरे भाभी मैं फिर कभी आऊंगा। कॉल मत उठाओ, ये मेरा मिस कॉल है। ओ। सेव कर लो। चलो भी बेटा, ठीक है बाय। मुझे वो पसंद है, तुम्हारा क्या सुझाव है? क्या? मेरा मतलब ईश्वर भाई भारत में घर लेने के लिए मान गए हैं। अब मैं समझ गया। हरीश मेरे लिए पानी ला दे जरा। ए हरीश जा पानी लेकर आ। ओ पानी भरने के लिए पीछे तुम ही रह जाओगे। ओ नरेश भाई ने डायलॉग मारा है। वो बड़े शॉट्स हैं, वो गुजरात में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं। देखा बॉस, मैं कहता था ना अभी गुजरात का समय है, आने वाले 5 सालों में यह ओलंपिक नहीं हुआ ना तो मेरा नाम बदल दे। सब कुछ छोड़ना यार, तू बता भाभी कैसी है यार? बोल बोल बोल, फंसी यार। हंसी तो फंसी यार।
ए, उसने मुझे अभी मैसेज किया है। मैसेज भी आ गया भाई। चुप करो, सुनने दो। फोकस, ए फोकस, मुझे तुझसे बात करनी है। हाँ बोल। पर ये फोन छोड़ यार, फिर तो हम बात कर पाएंगे। सुन दे यार। अरे यार तू पहले यहाँ बैठ जा, फोन वापस दो यार। बैठ जा। मेरे बिल्डिंग में एक अंकल है देख। हाँ। उनका कोई भतीजा है, वो भी यूएस जाने की तैयारी कर रहा है। हाँ। तू भी यार फिर एक बार मिल लेना, उससे जाकर बता देंगे तुझे। अरे यार मुझे नहीं मिलना किसी से, नहीं चाहिए मदद। मिल लेगा तो कुछ जाएगा नहीं तेरा। हाँ ठीक है, मिल लूंगा। मिल लेगा यार, टेंशन मत ले तू। फोन आया है। अरे फोन भी आ गया है। हेलो। हाय हरीश, कैसे हो? मैं आयुषी बोल रही हूँ। हरीश, मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए कॉल किया, क्या तुम एक मिनट रुको। ए लाला, क्या चलो मुझ पर ढेर लगा। भड़क गया। ए हसमत यार, बेचारा सीरियस है, बहुत सीरियस है। बराबर। हाँ आयुषी, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं। सो मैं सोच रही थी, हाँ? क्या तुम मुझे वॉल सिटी ले जा सकते हो? कहाँ? पोल। पोल, तुम्हें पोल जाना है? हाँ ठीक है। ओ तो गाइड बनाए तो क्या हम कल सुबह चले? हाँ मैं ले चलूंगा। ओ बढ़िया, तो 7 बजे? हाँ ठीक है, फिक्स। ठीक है तो कल सुबह मिलते हैं। हाँ गुड नाइट, बाय बाय। ले जाऊंगा। कहाँ? कंकरिया। लेकिन मैं यहाँ कुछ चीजें देखना चाहती हूँ, मुझे दिखाओ। रानी की हवेली ये है। मुझे कैसे पता होगा? एक मिनट। हे राहुल, रानी की हवेली कहाँ है? अरे मैं पोल में ही खड़ा हुआ हूँ, पता करके बताओ जल्दी। आयुषी आओ। मिल गई? वो मुझे थोड़ी देर में बताएंगे। ठीक है चलो उस जगह चलते हैं। काकरिया? चलो चलो। कई खास छे आ दुनिया।
क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? वन एक्स बैट के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाए, पोकर या कैसीनो में जीते, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाए या स्लॉट खेले और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। वन एक्स बैट की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। होशी मस्तीनी आंखों माँ बेहोशी मन माँ हैया माँ हलचल ने अचल चलता हर पल तन माँ तारी नजर थी नगर तारी नजर नी असर बस जैसा सफर I see you, I feel you. Harish? Ayushi nahi, tera baap hu. मजाक मत करो, यहाँ हॉलीवुड में पापा नहीं आ सकते, उनके पास वीजा नहीं। अच्छा बेटा, आयुषी ये ले वीजा। पापा क्या हुआ? पापा चल मेरे साथ, तेरे साथ कुछ बात करनी है। मुझे सोने दो ना। चल जल्दी। और शुरू करो। अरे हरीश, तुम ठीक तो हो ना? हाँ अंकल, मैं ठीक हूँ। अंकल मुझे पता चला कि तुम्हारा वीजा रिजेक्ट हो गया है। बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुझे यहाँ पर देख के मुझे खुशी हुई। तुझे योग करना होगा। देख तुझे प्राणायाम समझाता हूँ। ब्रीद इन, अंकल 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 आराम से, बस बस आराम से बस करो। हेलो प्रफुल्ल भाई, कैसे हो भाई? हाँ ठीक हो बच्चों। तुम इन्हें जानते भी हो ना बेटा? प्रफुल्ल अंकल। हाँ बच्चों भाई। हाँ। आपका कितना राउंड पूरा हो गया? अभी तक तो बस 4 ही मारे। चलो पापा। अरे मैं तो कहता हूँ आप ये एक्सरसाइज बंद कर दो। हाँ। योग पर जरा ध्यान दो। अरे प्राणायाम करो, प्राणायाम। देखो मैं आपको प्राणायाम सिखाता हूँ। ब्रीद इन ब्रीद आउट।
अरे 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 सांस छोड़ो। हाँ ब्रीथ आउट। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हम कल से ये सब करेंगे। हरीश भी आएगा। ध्यान रखना अंकल। ध्यान रखना अपना। ब्रीथ इन। पापा जाकर इडली लिया बेटा। कितनी बार कहूं? इसे तो खत्म करो। ऐसे भी क्या जल्दी है? तुम जल्दी में नहीं हो, बस थे। तुम्हें शादी करनी है ना? मैं समझा नहीं। तो क्या मैं अब तेरे साथ चुम्मा चाटी करूं क्या? हा? देखो ये बड़े बड़े वादे करने वाले लोग हैं। इनके झांसे में मत आना, काम पे काम रखो। इसके अलावा कौन जानता है इनके क्या इरादे है और क्या चल रहा है। तू बस अपना तैयारी में मन लगा और आयुषी से मिलना बंद कर दे। पापा जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। अगर कुछ नहीं है तो क्यों मुझसे बहस कर रहे हो? मेरी बात मानो, जाओ राहिल के आदमी से बात करो, वो तुम्हारी मदद करेगा, ठीक है ना? अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो तू पीछे रह जाएगा। जा अब इडली लेकर आ। बस इडली और कुछ? और हाँ जूस भी लेकर आ। और ये मुझे दे दे। छोड़ दो। आधा घंटा हो चुका है, तुम्हें लगता है कि वो आएगा? हेलो। हाँ हाँ मैं यहीं पर हूँ, मैं आ जाऊंगा, गेम चल रहा है मेरा। ओके यहीं पर है, आ रहा है अभी, वो खेल रहा है। वो यहाँ कब आएगा? अरे तुझे कुछ जल्दी है क्या? आयुषी इंतजार कर रही है क्या? मैं उसे कैसे मिलूं? दुनिया के इस मुकाम पर पहुंच गई है, पापा मुझे लड़की की बजाय लड़के से मिलने भेजते हैं। हे मैं आता हूँ, ठीक है? और दोस्त? हाँ यस। कैवन? नहीं तो केविन, केविन है मेरा नाम। ओ केविन। हाँ, तो आपको यूएस जाना है? नहीं तो एक्चुअली इसको जाना है, हरीश। ओ प्लीज, मेरा मतलब है कि प्लीज टू मीट सेम। ओके तो स्टेट्स जाने की तैयारी कब से चल रही है? जब से पैदा हुआ है तभी से चल रही है इसकी तो तैयारी। और इसे बचपन से यूएस जाने के लिए तैयार किया गया है। देखो मैंने स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई किया था और मुझे पक्का यकीन है तू रिजेक्ट हो गया है ना? पता नहीं क्यों रिजेक्ट कर दिया। डूड यू आर नॉट अ डूड, आई मीन तुझे कोई भी सिलेक्ट नहीं करने वाला, तुझे बस चाहिए प्रॉपर गाइडेंस और कंपनी जो तेरे पास बिल्कुल भी नहीं। देखो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हिंदी में एक कहावत कही जाती है, जैसा देश वैसा भेस। यूएस जाना है ना तो यूएस जैसा लगना पड़ता है। अच्छा? हाँ नहीं मुझे तो लगता है कि ये बहुत लेट हो गया। नहीं भाई भाई भाई, इंग्लिश में भी एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। बस जाने का पैशन होना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि इसके पास पैशन है। अरे पैशन क्या बात करता है, इसके अंदर कूट कूट के पैशन भरा हुआ है। ए तू भी बता रहे पैशन का क्या मतलब है? पैशन का मतलब डेडिकेशन, डेडिकेशन। जुनून, जुनून। अच्छा 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 जुनून। मेरे पास यूएस जाने के लिए सब कुछ है। नहीं 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 नहीं, झूठ मत बोलना कभी खुद से, है ना? रोज सुबह उठकर तू आईने में देखना और बोलना हाँ मैं जाऊंगा, यूएस जाऊंगा मैं, तभी तू होगा पैशनेट। समझ गया? और भी थोड़ी टिप्स दो ना। एक और कहावत है गुजराती में, कोई उंगली दे ना तो हाथ नहीं पकड़ते। हाँ ठीक है ठीक है, तो फिर मुझे जाना होगा, मेरा गेम चल रहा है ना। तुम्हारे पास मेरा नंबर है तो तुम लोग टच में रहना, ठीक है? हाँ। और तुम हरीश जुनून भर के रखो और कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है? बाय। जुनून कैसे अजीब से बाल लेकर आए? अगर इंग्लिश में जुनून कहते हैं तो ऐसा नहीं लगता, गुजराती में जुनून और गुस्सा सब एक ही है, पैशन। उसके बाल तो तुझे अच्छे लगे होंगे? नहीं चलो सेम कराते हैं। करवा ले फिर पैशन। ए हरिया। हाँ माफ कर दे यार मुझे। क्यों? तुझे गलत आदमी से मिला दिया,
बिल्कुल भी नहीं, पहली बार तुमने कुछ सही किया है। अरे पागल हो गया यार, अरे ऐसी कोई बातें करता है कि रोज सुबह उठ के आईने के सामने देखना बोलना मैं यूएस जाऊंगा। अबे दिमाग खराब है साले का पागल। वैसे अरे भाई तू उसके चक्कर में मत पड़, वो कुछ भी तुझे बकवास कर रहा है कि रोज सुबह उठ के आईने में देख के बोलना है। अबे यूएस जाना है ना तो ये सब नहीं करना होता है, बस वीजा लगता है समझा। ऐसे तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम वैसे नहीं हो, तुम बस बड़ी बड़ी बातें करते हो। मत भूल जा रहा हूँ तुझे, कौन समझाएगा। हरिया अबे सुन यार, बोल रहा हूँ उसके चक्कर में मत पड़। अबे हरिया भाई, क्या बिल्डिंग है ये? चेनानी का ऑफिस है ब्रो, ये पूरी बिल्डिंग चेनानी सर की है। बिल्कुल नहीं, उसके और भी बिजनेस होंगे, बस वीजा ही बनाते और कुछ नहीं। चल चल, एयरक्राफ्ट तो देखो, ये असली खिलौना नहीं है। सर अंदर आ जाओ। कैसे सर? अरे केविन बैठो बैठो बैठो, यहाँ पर तुम भी बैठो जरा एक मिनट भाई। यस चिड़िया अमेरिका भाग जाओ, जाओ और ओबामा को वीजा इशू करने को कहो। ओ पक्षी सर। हाँ पटेल, हरीश बच्चू भाई हूँ सर। हेलो। हेलो, नाइस टू मीटिंग यू सर। आप ओबामा को जानते हो? मैं जानता हूँ। यस सर, मैं यूएस जाना चाहता हूँ, मेरा पहला वीजा रिजेक्ट हो गया, पर आई डोंट गिव सर, मैं कई एजेंटों के पास गया हूँ लेकिन लगता है आपके साथ काम हो जाएगा। अरे अरे हाँ, अरे वो हो जाएगा, तुम बस चिंता मत करो। सर अभी अभी तो पकड़ा है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? अभी क्या, जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। अरे बाबा यूएस जाओगे तो मुझे छोड़ना पड़ेगा ना। कैसी बात करते हो सर, यूएस जाके भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अभी तो छोड़ो। क्यों सर? फोन आ रहा है यार। ठीक है, सॉरी आपके हाथ के लिए, आई एम सॉरी सर। एक ले लो। हो गया। ठीक है। हेलो, हाँ सिट मैम, तो तुम पहुँच गए कॉन्सुलेट। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो वो परेश पारिक का वीजा होना चाहिए, उसका नेक्स्ट फ्लाइट है। ओके बाय। सर सॉरी, मैं अपने फैशन के पीछे पागल हो गया। ये क्या फैशन लाइन में है क्या? फैशन सर, फैशन। हाँ, जुनून। अरे जुनून। अच्छा केविन, तुम्हारा तो टाइम आ गया फिर, तुम्हें तो वीजा मिल जाएगा। अब अपनी फैमिली के साथ ज्यादा समय बिता लो और दोस्तों के साथ। सर, आपकी मेहरबानी की वजह से, थैंक यू सर। मैं भी यूएसए, आप भेजोगे ना मेरे को? लेकिन तुम्हारा कुछ फाइल कागजात तो होगा? फाइल एकदम रेडी है सर, बिल्कुल ये लो। बहुत बढ़िया, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि सर ये क्या। आई लव यू एस, आई लव यू। क्या जुनून है तुम्हारा यार। केविन भाई मैंने बताया था ना, सर इसे पसंद जरूर करेंगे। सर ये फाइल रख लीजिए। नहीं नहीं नहीं, यही छोड़ दो, मेरा सेक्रेटरी आज यहाँ पर नहीं है। अच्छा तुम एक काम करो, 11 बजे संडे को आ जाओ कोर्स में। यस सर, ओके सर, थैंक्स सर, छोड़ दूंगा अब पक्का ना। मुझे पसंद आया तुम्हारा, थैंक यू सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। देखो ये बड़े बड़े वादे करने वाले लोग हैं, इसके अलावा कौन जानता है इनके क्या इरादे हैं और क्या चल रहा है। तू बस अपना तैयारी में मन लगा,
और आयुषी से मिलना बंद कर दे। फिल्मों की तरह ही पापा खेल खेल रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, अब जनानी सर मुझे यूएस भेजेंगे, फिर हरीश और आयुषी अमेरिका में जा ही रहेंगे। रोज सुबह उठ के तेरा फेस मिरर में देख और बोलना कि हाँ मैं जाऊंगा अमेरिका। मैं यूएस पैशन से हदिया पैशन से यस मैं यूएस जाऊंगा। हाँ मैं यूएस जाऊंगा। हाँ मैं यूएस जाऊंगा। हाँ मैं यूएस जाऊंगा। तो अच्छा है, बहुत अच्छा, काफी बड़ा है लेकिन इसमें खर्चा बहुत आएगा। जल्दी करो, वो समय का पालन करते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। अरे सर सर आप मुझे पहचानते हो? सर पटेल हरीश, सर्वो केविन भाई के रेफरेंस से। अरे हाँ 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 सर सर, ये मेरे पापा हैं, पटेल बच्चू भाई हरगोविंददास। हेलो, जरा एक मिनट, कैसे हैं आप? माफ करना जनानी भाई, मैं आपको ऐसी जगह पर परेशान कर रहा हूँ। वो क्या है कि मेरा बेटा यूएस जाने के लिए बहुत अड़ा हुआ है। ये बहुत अभी क्या है कि वो आपकी तरह बिल्कुल जीती है ना, तो फिर जाएगा ही यूएस ना। गोल्फ वगैरह खेलेंगे, शॉट मारना चाहेंगे। अरे सर मुझे तो इतना भी नहीं पता कि ये क्रिकेट का है कि कंचे का गेम। आइए हाउस क्लब में चलते। क्लब हाउस? हाँ आइए वहीं पर आइए। चल जल्दी जल्दी, ये क्लब हाउस क्या है? ये आप कब से सोच रहे हैं इसको, यूएस का प्लान कब से बनाया? अरे शुरुआत से सर। मतलब कब से? ये समझ लो कि 8-9 साल से। हाँ तो फिर प्लानिंग से करना चाहिए था ना, ये क्या बकवास बनाया? बिल्कुल अधूरा बनाया, बिल्कुल अधूरा। इसमें यूएस क्या, ये तो श्रीलंका तक नहीं जा पाएंगे, एडमिशन भी नहीं मिलेगा। अरे साहिब आप ही कुछ बता दो ना, मेरा मतलब है कोई तरीका नहीं हो सकता, जैसे कि इलीगल वाला? बच्चू भाई मेरा नाम चेनानी है, चेनानी कोई इलीगल काम नहीं करता है, समझे? इलीगल काम नहीं करता हूँ मैं यहाँ से लोगों को भेजता हूँ, कबूतरों को नहीं। क्या चाहिए तुम्हें, क्या मानते हो तुम? इसके लिए बहुत है अहमदाबाद में लोग, वहाँ चाहिए आप लोग, यहाँ पर आने की कोशिश भी मत। प्लीज प्लीज सर प्लीज, पापा से गलती हो गई सर, प्लीज प्लीज आप बैठिए, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना। अरे सॉरी सॉरी, माफ कर दो साहिब, हमने सोचा कि आप उन जैसे ही एजेंट की तरह होंगे जैसे कि सब होते। अब मैं वादा करता हूँ आपसे, अब मैं बस वही करूँगा जो आप कहेंगे। देखो आप लोग शरीफ आदमी है, जो तुम्हारा बेटा भी शरीफ है, इसलिए मैं यहाँ पर रुका हूँ, तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। आप क्या काम करते हैं ये बताइए ना। अरे साहिब मैंने बहुत संघर्ष किया है साहब, मेरे जीवन का बस एक ही लक्ष्य है अमेरिका। मेरा दोस्त अमेरिका चला गया, जिगरी दोस्त,
मेरा भी सपना था अमेरिका जाने का, लेकिन जा नहीं सका। तो मैंने सोचा कि अब यही मेरा बेटा है जो सपना पूरा करेगा मेरा। और मैंने सब कुछ आज तक किसी के लिए किया है साहिब। बहुत सैक्रिफाइस किया आपने। बहुत किया साहिब, बहुत। वाह 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 बच्चू भाई, आपके जीवन की कहानी सुनकर तो मैं भी भावुक हो गया हूँ। सच उस बह गया आपके संघर्ष किया है। ये तो करना ही होगा साहिब, ये तो पर आप चिंता मत करें, अभी आपका बच्चा नहीं, ये अब हमारा बच्चा है, हरीश हमारा बेटा। सर सैम, मैं इसको यूएस की पूरी ट्रेनिंग खुद ही दूंगा बेटा, शेड्यूल बनाओ ट्रेनिंग का। चलो। बहुत मुश्किल है सर, इस बार आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आपकी 9 फॉरेन विजिट है सर। तो क्या हो गया, उसमें से कुछ कैंसिल कर दो, इसका भी तो विदेश में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है यार। हा? चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। चलो चलते, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? सर हमारी कार है इधर ही है, बस ड्राइवर का ही गया होगा। आप निकलिए साहिब, पक्का ना? ओके सर, थैंक यू। ओके बाय बाय, थैंक यू सर, धन्यवाद। बाय बाय सर। ओके सर, फिर मिलते हैं। तू तो बेवकूफ है, ये आदमी स्कूटर वालों की बात नहीं सुनेगा, चल जा गाड़ी निकाल। बैठो पापा, चल अब सीधा। Thank you.
खेलना है हाँ, बैटिंग या बॉलिंग? तुम बैटिंग करोगे? हाँ। तो मैं तुम्हें आउट करूंगी। तुम गुगली फेंकोगी? शरारती लड़की। खत्म करते हैं। ये ले आरिया। आउट? तू खेल यार। मुझे अभी आजकल प्रैक्टिस नहीं है। ए मेहुल, हाँ भाई। चलो मैं खेलते हुए देखना चाहती हूँ। जाओ खेलो खेलो। स्कोर क्या है? जीतने के चांसेस बहुत कम है। मुझे लगता है मदद करनी चाहिए। अब हेल्प करेगा? लाओ मैं तुम्हें जिताऊंगा। फट पड़ा बिल्कुल बराबर। हाँ आयुषी तो तेरी फैन ही बन गई एकदम। मुझे पता है, मेरा मतलब वो बढ़िया खेलता है। थैंक्स। पर आयुषी, हम भी हरिया को यही समझाते हैं हमेशा, इसकी यूएस जाने की जिद हमें बिल्कुल समझ में नहीं आती है। अरे अभी तो आयुषी भी बोल रही है, अभी तो समझ जा। ये जो अमेजिंग है ना, आजकल वीजा की फील्डिंग लगा रहा है। हाँ? लेकिन वो सही है, तुम अमेरिका जाने के लिए इतने उतावले क्यों हो? ये मैदान है। ओ। यहाँ पर इस मैदान में 10 मैच चल रहे हैं। हर कोई सचिन बनना चाहता है, लेकिन कुछ बनने की जगह कहाँ है, और इसलिए निराश होकर सब अपना लंच बॉक्स लेते हैं और हर दिन काम पर निकल जाते हैं। अगर मैं यहाँ कोशिश करूँगा तो मैं भीड़ में जुड़ जाऊँगा, समझे? और अगर मैं अमेरिका में कोशिश करूँगा तो मैं अलग होऊंगा। मुझे ये समझ नहीं आया हरीश, एक तरफ तो तुम समझदार लगते हो और फिर अचानक तुम बचपना दिखाते हो। आयुषी तुम तो मेरी बात समझो, यूएस जाना सिर्फ मेरा सपना नहीं है, ये मेरे पापा का भी सपना है, तुम्हें तो पता है। आरिया, तूने कभी सोचा है कि तेरा सपना क्या है और तू असल में क्या करना चाहता है, कभी सोचा है? मैंने ये सोचा है कि मैं कॉलेज में जाकर लेक्चर दूं। चलो आयुषी। क्या हुआ, तुम्हें बुरा लगा? वो सब भूल जाओ, लेकिन तुम वहां से हो और तुमने ये सब कहा। मैं जहां से हूँ लेकिन मैं कहां से आती हूँ ये नहीं बदलता। यहाँ कुछ दिन ही अच्छा लगता है बस, तुम सिर्फ टूरिस्ट हो मैडम। अरे ये किसकी गाड़ी है यार? ओ भाई, आपकी गाड़ी है क्या ये? नहीं तो। ए यार किसकी गाड़ी है? कैमरा के सामने देखो, स्माइल प्लीज। ए लाला,
हम कोई दूसरा वकील कर ले तो? अरे ये कितना पैसा मांग रहा है और पेपर वर्क देख जरा इसका कितना है। यार तुम बस दो ही मिनट। दो मिनट सब्र नहीं रख सकते? अगर तुम्हें ये देखना है कि वो सही है या नहीं तो फिर मुझे देखो, मैं बदला हुआ नहीं लग रहा हूँ। कैमरा के सामने देखो। हाँ स्माइल प्लीज। ये लो स्माइल। थैंक यू। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मतलब बार बार तुम चैनानी सर पर शक क्यों कर रहे हो? हाँ अरे पैसों की प्रॉब्लम है या फिर मेरे यूएस जाने से ही प्रॉब्लम है? बिल्कुल एकदम बदल गया है आरिश तू। यार जल्दी कर दो। चलो। अरे क्यों रूठ रहे हो भाई? उन्हें हर चीज से प्रॉब्लम है, चेनानी सर के साथ भी प्रॉब्लम है। अरे बेटा इतनी टेंशन क्यों? जब वो चेनानी से मिलेगा तो सब समझ जाएगा। ये बेवकूफ अपनी जिंदगी यही बिता देगा। चल गाड़ी निकाल। कहाँ पार्क कर दिया रे तूने? चलो जल्दी निकल। ए भाई आपने तो बोला ये आपकी गाड़ी नहीं है। हाँ भाई ये हमारी नहीं है, ये इस लड़के की है। अरे कहाँ कहाँ से आ जाते हैं अहमदाबाद में? चलो चलो चलो। मैं कम इन सर। कम इन। आ जाओ बाबा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे आओ बच्चे भाई आइए। अरे बैठ जाओ। थैंक यू। और बताइए धंधा पानी सब बढ़िया? आपकी कृपा है जी। तुम कहाँ बैठोगे? जाओ अपना फॉर्म वॉर्म भरो यार वीजा का। हाँ सर। फोटो लाओ ना साथ में। हाँ। वो साहब को तो वो आपको बताएंगे। यस सर। चलो जाओ। अरे अरे बच्चू भाई आप कहाँ जा रहे हैं, बैठिए। अरे भाई वो अकेले वीजा का फॉर्म नहीं भरने जाएगा तो यूएसए में अकेला वो कैसे जाएगा? ये जिग्नेश भाई है ना? हाँ। हाँ अच्छा हरीश आपके बारे में हमेशा बताता है, बहुत तारीफ करता है आपके। हाँ जी बताइए बताइए। ये यूनिवर्सिटी का चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें। अरे जिग्नेश भाई आप क्यों घबराते हैं जब चेनानी इधर है तो? टेंशन की तो बात है ना, इस यूनिवर्सिटी की फीस तो बहुत ज्यादा है, हम किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। अरे क्या बात है। अरे सवाल बढ़िया है। देखो मैं तुम्हें पूरी तरह से समझाता हूँ। ऐसा है कि जिग्नेश भाई इंडिया से आमतौर पे यूएसए दो तरह के लोग जाते हैं। एक वो जाते हैं जो होशियार, हर काम में होशियार, हर जगह फर्स्ट, क्लास में फर्स्ट, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट, हर जगह फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। वहाँ जाते हैं एडमिशन मिल जाता है, उसके बाद डॉक्टर बनते हैं, वो इंजीनियर बनते हैं। और सेकंड टाइप के वो लोग जाते हैं जो खत्म, मतलब यहाँ से खत्म, लेकिन इनको भी यूएसए जाना होता है, इनको भी यूएसए जाता है। ऐसा नहीं है जाते हैं, जाते हैं पर जाकर होता है क्या, कहीं पर एडमिशन नहीं मिलता और फिर गधे की तरह मजदूरी करते हैं, कुत्ते की तरह काम करते हैं। वो आते हैं ना जो डूंगापुर से आपके यहाँ काम करने, वो उस तरह के लोग। लेकिन 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 इनके अलावा एक थर्ड कैटेगरी भी है, हमारे तुम्हारे जैसे बिल्कुल एवरेज। अब अपना हरीश भी तो वही कैटेगरी में आता है। उसका आपने मार्कशीट देखा है कितना एवरेज है? अब इस एवरेज मार्कशीट के साथ उसको कौन सी यूनिवर्सिटी उसको एडमिशन देगी? हाँ ये बात तो है। हम चाहते हैं कि उसको ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले जहाँ पर उसे काम भी करना पड़े, और इसीलिए मैंने पूरा सेटिंग कर दी। देखो देखो बच्चू भाई, दिनेश भाई, मेरा एक वसूल है कि जो भी चेनानी के थ्रू इंडिया से बाहर जाए ना, वो सिर्फ यूएसए में लैंड करे, प्राउडली बोले कि यस मैं आया हूँ चेनानी के जरिए और मेरा समय शुरू होता है वो भी अब, तो इसका मतलब वो अपना मोटेल खोल लेगा ना। अरे वही तो बोल रहा हूँ कि मैं उसको ऐसे ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाऊंगा के साथ साथ काम भी कर सके। नहीं नहीं वो सब तो ठीक ही है, पर इस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा और जानने को मिलेगा। अरे क्यों नहीं सैम ब्रोशर दिखाओ। हाँ यही वाला, ये लीजिए, ये सन वैली यूनिवर्सिटी है और ये ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आप काम भी कर सकते हैं, आपको 20 घंटे से भी ज्यादा काम करवा सकती है। मतलब पापा वो वहाँ पर पढ़ेगा भी और काम भी करेगा? बस तो फिर फिक्स कर दो यार। पक्का कर देता हूँ मैं। लेकिन लेकिन लेकिन
हमें क्या है कि अभी पैसा ट्रांसफर करना होगा, वो भी अभी, क्योंकि लास्ट डेट अगर एडमिशन की आखिरी दिक्कत हुई तो। अरे भाई थोड़ा समय तो दो हमें। जिग्नेश भाई ये तो नहीं नहीं, पैसों का सेटिंग हो जाएगा, मैं आपको कल तक पैसा भिजा दूंगा। अच्छा क्या? अरे तुमने पैसों का वादा तो कर दिया, लेकिन कहां से लाओगे इतना पैसा? लेकिन अब पैसे तो लाने हैं ना बेवकूफ। हाँ अतुल साहब, बच्चू बोल रहा हूँ। हाँ बोलो ना यार, मुझे जल्दी से 50 चाहिए। 50 का थोड़ा मुश्किल तो है। देखो ना भाई, कोशिश करो। हाँ ठीक है भाई, फोन करता हूँ मैं। हाँ, थैंक्स यार। परेशान से क्यों थे? आप बोल रहे थे ना पैसे का सेटिंग करना पड़ेगा, अब नहीं करना पड़ेगा, मैंने पहले ही कर लिया। क्या बात है? कुछ नहीं। गड़बड़ है क्या? रहने दो पापा। बता दो ना बेटा। कुछ लोग बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, मुझे उनसे नफरत है। ओ अच्छा, तो तुम हरीश की बात कर रही हो? मैं सही कह रहा हूँ? हाँ पापा, एकदम पागल है, बिल्कुल नहीं समझता। वो अपने पापा की तरह। पता है मैंने कितनी कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन वो सुनने को ही तैयार नहीं है। कम से कम तुमने उसे समझाया तो। मुझे तो बेटा मौका ही नहीं मिला। चलो छोड़ो, चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि मैं कुछ कर लूंगा। ठीक है। ये जवानी है दीवानी, हा मेरी रानी, खुल जाओ रानी, चली कहाँ ऐसे रूठ के। ए भाई किधर है बे? किचन का दरवाजा बंद करके आना। अरे जल्दी आ भाई। हाँ मैंने चेनानी भाई से बात करी है, पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। बिल्कुल, तुम तो कमाल हो भाई। और क्या भाई, सुबह जो हुआ उसके लिए सॉरी। छोड़ना सब कुछ, अभी जल्दी लगा तू, जल्दी लगा। कौन सी लाइन बताओ, रशियन या फिर चाइनीज? क्या रशियन थोड़ी लंबी होती है और चाइनीज सीधा मुद्दे पर। चाइनीज ही लगाना फिर। चाइनीज तो आजा आजा। अब इसे उठाकर ऐसे रखिए और आप देख सकते हैं कि। अरे भाई अपने यहाँ तो ऐसा मजाक करने को ही नहीं मिलता है रे। और इसका इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको धीरे धीरे खोलना है, वरना ये आपको वो सुख। मेरी तरह जल्दी शादी मत कर लेना तू। हाँ अपने सारे शौक पूरा कर लेना। हाँ पहले ये क्या फोन है यार? हाँ अरे यार, अरे पैसा मिल गया है, पार्टी से कंफर्म करवा लिया है मैंने, ट्रांसफर हो गया है।
अरे जल्दी से आपको मैं दे दूंगा, फोन रखो ना आप, बस आराम करो आप, ठीक है। कहाँ जा रहा है लाला? भाई मैं अभी ऐसा वीडियो नहीं देख सकता। क्यों? आयुषी से मिलने जा रहा हूँ, मैं उसे केविन की पार्टी में ले जा रहा हूँ। जा जा जा। भाई भाई कैसा लग रहा हूँ? सुंदर, अति सुंदर। ए भाई हाँ जरा सुनो। हाँ पापा से मत कहना कि मैं आयुषी को देखने जा रहा हूँ। यही तो मैं तुझसे कह रहा था ना, जा जा जा। एंजॉय। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। बहुत सुंदर दिख रही हो बहुत। मुझे ये पता है। अभी वापस आता हूँ। मैं उसे जानता हूँ, पता है क्या? मैं जाता हूँ। हे हाय आयुषी। हाय। हाँ याद है हम मैट्रिमोनियल साइट पर मिले थे? ओ हाँ बिल्कुल। हाय तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं अपने एक दोस्त के साथ आई हूँ। आई थिंक मैं यहाँ पर सबको जानता हूँ। आप किसके साथ आई? हरीश। मैं तो उसे नहीं जानता, मगर आई एम श्योर आप यहाँ पर केविन के लिए आई है ना? हाँ वो उसका दोस्त है। हाँ तुम ड्रिंक वगैरह नहीं ले रही? मैं वैसे नहीं पीती हूँ। मुझे नहीं पता मुझे ये बोलना चाहिए, लेकिन केविन जो है ना, केविन बहुत जुगाड़ू इंसान है, एकदम जुगाड़ू आदमी। जुगाड़ू? मेरा मतलब है कि वो होते हैं ना जो सबके लिए सब कुछ फिक्स करते हैं, स्कूल में जैसे होते थे, जो चाहिए तुम उनको बोलो ला देंगे वो। कॉलेज में एग्जाम का पेपर चुरा के लाता था वो, लेकिन पता नहीं यूएस जाने के लिए वो किसकी बलि चढ़ा रहा है ये तो बोला नहीं जा सकता, बेचारा जो भी है। तो वो जिसके भी सर पर पैर रख के जा रहा है ना, उस पर दया आ रही है। बकरा, और क्या बोल सकते हैं। हाँ। वेल वो तो होता ही रहता है, सब चलता ही। तो तुम अकेली क्यों बैठी हो? मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रही हूँ। हाँ हरीश, केविन भाई है ना? हाँ। hey, केविन आ गया, पार्टी बॉय। केविन आ गया। hey. मैं उसके साथ आता हूँ। हाँ। मजे करना। हाँ ठीक है, बाय, टेक केयर। क्या चल रहा है? कौन था? कोई ऐसे ही रैंडम था, मुझे नहीं पता। ले लो। तुम बताओ, तुम नहीं पियोगे? मैं नहीं चाहता तुम मुझे हर जगह दिखो। तुम पियो, मैं नहीं पियूंगा। पक्का? हाँ। कैसे हो दोस्त? केविन, केविन है, आओ आओ। अच्छा हुआ हम आए। जब हम यहाँ आए थे तो तुम्हारा मूड कितना खराब था, अब तो ऐसा है। तुम्हें एक बात बोलूं? हाँ केविन, तुम उससे मत मिलना। क्यों? क्या मतलब? मुझे नहीं पता, जैसे मुझे उससे कुछ अच्छी वाइब नहीं आती। इसका क्या मतलब है आयुषी? बस उससे मत मिलो। लेकिन क्यों? वो सही लड़का नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो?
उसने मेरी अमेरिका की तैयारी में बहुत मदद की है। यूएस यूएस हर समय यूएस कहते रहते हो, आखिर वहां है क्या? सब कुछ तो यहाँ है। देखो तुम्हारी मम्मी यहाँ है, तुम्हारे पापा यहाँ है, जिग्नेश भाई यहाँ है, भाभी यहाँ है, उन्हें अब बच्चा होगा। शायद तुमने ज्यादा ही पी ली है। मैं यहाँ हूँ और मैं चाहती हूँ तुम भी यहीं रहो। यूएस मत जाओ, तुम यूएस नहीं जाओगे, यूएस मत जाओ। आई लव यू। विश्वास नहीं होता, रुको मैं प्रूव करती हूँ। देखो ये बड़े बड़े वादे करने वाले लोग हैं, इसके अलावा कौन जानता है इनके क्या इरादे हैं और क्या चल रहा है। तू बस अपना तैयारी में मन लगा, तुम यूएस नहीं जाओगे और आयुष इसे मिलना बंद कर दे। हाँ पैसा दे देंगे, तेरा तेरा पैसा लेके भाग नहीं जाएंगे हम लोग। दो दिन लेट होगा तो दो दिन लेट होगा, टेंशन मत ले तू। हाँ ए भाई ए, मेरे को धमकी मत दे तू। धमकी देगा ना तेरा पैसा कभी वापस नहीं करूंगा, समझ ले फिर तू। हाँ तेरी तो क्या, नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा था, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। नहीं 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 ऐसा मत करना, मैं पैसा दे दूंगा आपका। अरे मैं आज ही दे दूंगा, शाम को दे दूंगा। ठीक है ऐसा ऐसा सर सर भाभी, और कब तक तुम और भावना अकेले काम करोगी सारा? हरीश के लिए कोई लड़की मिली है कि नहीं? अरे भाई हमने उसके लिए ढेर सारी लड़कियां देखी हैं, न्यूयॉर्क वाली, नैरोबी वाली, डल्लास वाली, पर उसे कोई पसंद ही नहीं आई। अगर तुम्हारे ध्यान में कोई अमेरिका वाली लड़की हो तो बताना। हाँ तो एक है ना, तुम उसे अच्छी तरह जानती हो ना। अरे तुम क्या कह रहे हो? असल में है, मुद्दे पर आओ ईश्वर। बच्चू सच बताओ तो मैं भारत सेटल होने ही आया हूँ। अरे मॉडल किंग कुछ ऐसा बोलो यार जो समझ में आए। अरे बच्चू तुम हमेशा मुझे मोटल किंग क्यों कहते रहते हो? मैंने वहां जाकर जो खोया है वो तुम्हें पता तो है ना। लेकिन हाँ तुमने कितना पैसे भी तो कमाए हैं, मुझे इसका अंदाजा है। चलो जाने दो यार। यही तो मैं कह रहा हूँ, मुद्दे पर आओ ना यार। हाँ तो बात यह है कि आयुष और हरीश एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ। और तुम भी तो ये जानते हो ना। हाँ। जब तू यूएस से भारत में पहली बार आया ना, फिर मुझे कुछ पलों के लिए ये लगा कि तुम मुझसे मिलने आए हो यहाँ पर। लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हें तुम्हारी बेटी के साथ देखा और इसके बाद हर घटना भी, जिस तरह तुम आयुषी के साथ मेरे घर पर आए, जिस तरह वो धीरे धीरे मेरे बेटे हरीश के साथ घूमने लगी, तब मुझे तुम्हारे यहाँ आने का मतलब समझ आया। मुझे पता था कि तुम जल्द ही ये बात सामने लाओगे। हाँ क्यों नहीं, अगर हमारी बेटी किसी और के परिवार में शादी करने के बजाय अपने ही दोस्त के घर पर शादी करे तो ये अच्छा है। इससे पहले तुम्हारी बेटी किसी और परिवार को बर्बाद करे तो तुमने हमारा घर सोचा? अरे आखिर है तो तेरी बेटी ही ना, और तू दोस्त बताने से पहले तू अकेला ही अमेरिका चला गया था, तभी से हमारी दोस्ती खत्म हो गई थी। अब कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा खेल समझता हूँ, और जो आज तुम बोल रहे हो भले ही तुम उससे भीख मांगे ईश्वर, पर मैं तुझे अपना हरीश नहीं दूंगा। मैं तेरा पूरा गेम समझ गया। अरे तू जैसे मेरा सपना अकेले ले गया, मैं अपने बेटे के सपने को नहीं टूटने दूंगा। ऐसा दोबारा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अब वो दिन दूर नहीं है जब उसे वीजा मिल जाएगा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो?
जरा शांति से बात करो ना। अरे तू नहीं जानती इसके बारे में। अगर कोई शादी का सच्चा ऑफर लाता है ना तो अब तक मेरी ये बातें सुनकर भाग चुका होता। इसके इरादों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन ईश्वर भाई अरे वाह, क्या खाना बनाया है भाभी के हाथों में तो बहुत जादू। सर सर ये खाकर देखिए। हाँ थैंक सर। भाई बच्चों भाई बात ये है, आपने इसका करियर तो सेट कर। सर बस आप ही हो। करियर देखो एकदम सेटल कर दिया सर। अब जरा इसकी पर्सनल लाइफ भी तो देखो यार। सर केविन ने एक बात बहुत सही बोली थी, उसने कहा पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखनी चाहिए। अभी मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अमेरिका। अरे वाह, ऐसा ही होगा मेरे बच्चे। ये हुई ना बात। थैंक्स सर। केविन है का? पार्टी आई नहीं? हाँ सर, मैंने उसे कई बार फोन किया, वो उठाता ही नहीं है, कोई जवाब नहीं देता। यहाँ पर मैं अकेला आया हूँ तो बुरा लग रहा है क्या आपको? अरे नहीं 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 सर, ये तो लोग ऐसे ही, आप ढोकला लीजिए ना सर। नहीं 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 लो ना। अभी देखो मैं क्या चाहता हूँ कि एक बार ये वीजा के लिए जाए ना, इससे पहले कि मॉक रिहर्सल कर लेते कि वहां पर जाकर क्या पूछेंगे वे, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, नेट प्रैक्टिस जैसे। इसकी क्या जरूरत है? देखिए मैं ये चाहता हूँ कि जब भी वीजा के इंटरव्यू के लिए जाए तो वहां से वापस आए तो सिर्फ अपना बैग उठाने के लिए आए, ताकि सीधा फ्लाइट पकड़ते ही मतलब और खर्चा भाई, और खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास। तो मैं जंग में जाना, वो भी बिना किसी हथियार के। अरे नहीं नहीं नहीं, जो आप कहे वो ही सही है। ये पैसों की चिंता मत कीजिए सर। हाँ ठीक है, आप जो कहे वो ठीक है। तो तुम वो टोपा हो जिसने मुझे रिजेक्ट किया था, जेंटलमैन टोपा। ओ टोपा मतलब गुजराती में जेंटलमैन होता है। अगर तुम्हारा ये हो गया तो काम की बात कर। ओ बिल्कुल, मैं आपका इंतजार कर रहा था। तो मिस्टर पटेल, आपका शौक, तुम्हारी हॉबीज क्या है? मेरे शौक बाइक की सवारी करना है, टेलीविजन देखना और इंटरनेट, मुझे फेसबुक पसंद है। ये तो बढ़िया है, बढ़िया है। अरे और ये बताओ कि आपकी दिक्कत पर हो रही है आपको? नहीं, मैं बच्चू भाई की प्रॉब्लम हूँ। क्या कौन है? मेरे पापा। आपके पापा प्रॉब्लम है? यस। तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम, आपको कोई इशू नहीं है? सर आपकी रिसर्च खराब है, आपने फाइल नहीं पढ़ी। मैंने लिखा है मैरिटल स्टेटस सिंगल। तुम मुझे कोई समझते हो या फिर ऐसे ही बकवास कर रहे हो? सर अंग्रेजी में एक कहावत है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपको पता होना चाहिए अंग्रेजी। मुझे यहाँ गुजराती से अंग्रेजी सीखने भारत आना चाहिए, ये पता होना चाहिए। क्या मतलब है? ना यस, तो यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारा, गलत तरीके से सर हिला रहे हो। ओके यस, क्या हम अपने काम की बात करा सकते हैं? ठीक है अपने में। यस मैं होशियार हूँ सर। बाहर जाओ पटेल, बाहर निकल जाओ यहाँ से। आना मत यहाँ पर। ठीक है, पागल कहीं का दिमाग खराब कर रहे हैं आते हैं टोपा। मेरा मतलब कि यही तो तुम्हारी दिक्कत है। टोपा मुझे टोपा कह रहे हो? टोपा मैं आज डॉक्टर के पास गई थी। हाँ अकेली। डॉक्टर कह रहे थे कि आजकल तुम्हारे पति नहीं दिखाई दे रहे। एक बच्चे के लिए जितनी जिम्मेदारी माँ की होती है उतनी ही पिता की भी होती है। हाँ और हाँ
प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। उन्होंने थोड़ा और ध्यान रखने के लिए कहा है। बराबर ठीक है क्या? प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, ये ठीक है? अरे पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसे क्यों बात कर रहे हो? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? अरे मैं ही तो प्रॉब्लम हूँ ना। तुझे पता नहीं है क्या, इस घर में कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? मैं। क्या हुआ? अरे बड़ी मुश्किल से मौका मिला मुझे खुद को साबित करने का कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। सारी चीजों पर पानी फिर गया एकदम। लेकिन ऐसा क्या हो गया? लाला के एडमिशन के लिए मैंने रिस्क पर पैसा कहीं से उठाया था। मुझे लगा पैसा भर दूंगा मैं, लेकिन तो अभी उनका फोन आता है हमेशा कि दो दिन में पैसा नहीं भरा ना तो तुमको मैं। ये सब कुछ छोड़ ना, देख मैं क्या बोलता हूँ। हम लोग कहीं पर भाग जाएंगे, हम लोग कहीं पर यह घर छोड़कर चले जाएंगे यार। मेरा बेटा यहाँ पर पैदा होगा ना तो मेरी तरह यहाँ पर रह रहे के डफर ही बनेगा। मैं क्या बोलता हूँ, मुझे है ना अभी हमारी फैमिली की चिंता हो रही है। हम लोग कहीं पर दूर चले जाएंगे। परिवार के बारे में क्यों बात कर रहे हो? तीन लोगों से ही परिवार नहीं बनता, कहीं से पैसों का इंतजाम हो सकता है। लेकिन ये घर और ये लोग हमारा परिवार है। देखो मैं तुम्हें हमारे बच्चे की कसम खाती हूँ, अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा करा ना तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। मिस्टर पटेल, अमेरिका की संस्कृति के बारे में जानना आपके लिए अच्छा होगा। राइट, तुम क्रिकेट के खिलाड़ी लगते हो, खेलते हो, मगर यूएसए का लोकप्रिय खेल है जिसे बेसबॉल कहते हैं। बेसबॉल, तुम समझ गए? बेसबॉल में कितनी इनिंग होती है? अरे हाँ, वो क्रिकेट में होती है लेकिन बेसबॉल में नौ इनिंग होता है। सर हम कर सकते हो, ये क्या करते, ठीक है? कितनी इनिंग होती है? नौ इनिंग होती है, सही मारते हैं हम लोग। और इसमें होम रन होते हैं। होम रन क्या तुम जरा फोन करोगे? सॉरी सर। हाँ ठीक है, देखो पूरे रन में आप भागना होता है गोल को गरबा डांस की तरह। और अरे जरा इस फोन को बंद करोगे प्लीज? मेरा नहीं, आपका है। अरे ये तो ये मेरा है। मारो फोन छे। यस सर। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई बात नहीं। हंकी डोरी है, ठीक है, ओके ठीक है। सर आप होम रन के बारे में बात कर रहे हैं? हमारा होम रन अभी, चलो जल्दी मारना है, चलो चलते हैं, लेट हो रहा है, लास्ट खत्म हुई। अरे ठीक है कोई बात नहीं, होम रन हो जाएगा, गोल गया, चलो घंटा हो गया आधा यार, रास्ते में बात करेंगे। बहुत अच्छा, चलो जल्दी, वेरी गुड। तुम जाओ पहले, आप जाइए जल्दी, पहले तुम जाइए, ठीक है, चलो चलते हैं सर। पर थैंक यू सर, ओके बाय बाय बाय। हेलो, अरे राहिल यार मैं बिजी था इसलिए फोन काट रहा था। अरे भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस है बेटा, अगर चैनानी जिंदगी में हाथ आगे बढ़ाता है ना तो पकड़ लेते हैं। सर ये कैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया है आपने? फ्रॉड है फ्रॉड। तो क्या हुआ, तुम ये भी तो सोचो तुम कितने लकी हो, तुम आ जाते अटक जाते तो क्या? मतलब फंस गए होते, तुम अपने होश में भी हो? बच्चू भाई देखिए आपके साथ जो भी हुआ है ना वो केविन की वजह से हुआ है। केविन की वजह से? केविन आपके स्पॉन्सरशिप के पेपर के ऊपर ही यूएसए गया है। क्या? हाँ, लेकिन वहां जाके पकड़ा गया, वो बात अलग है, वो उसका बैंड लगा, लेकिन ये सोचो कि ये कितना लकी है, इधर ही है, पकड़ा नहीं गया। ये क्या मतलब है, कोई हमारा स्पॉन्सरशिप पेपर ले जाए और हम देखता ना जाए? पुलिस को फोन करो ना। हाँ करो, बुलाओ पुलिस को, बुलाओ, मैं भी बोलूंगा पुलिस को कि आपको पूछे, आपको जो बड़ा बेटा है मुझे देने के लिए पैसा कहाँ से लाया? सर आपने मुझे बेटा बोला और आप ऐसा कर रहे हो? बेटा बोला था इसे यहाँ खड़ा है अब तक, वरना निकाल देता, और तू मेरे पास अपने आप नहीं आया था, केविन के थ्रू आया था, केविन के थ्रू, बिकॉज केविन वॉज माई क्लाइंट।
तो जो केविन ने किया वही तुम भी करो। सी आई विल एक्सप्लेन। भूल जाओगे तुम्हारे डॉक्यूमेंट चले गए, ठीक है? तुम किसी ऐसे आदमी को पकड़ो जिसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तुम यूएस से जा सकते हो, और ऐसे डेस्परेट लोग बहुत घूम रहे हैं मार्केट में, किसी को भी पकड़ लो, ठीक है? तुम पकड़ के लाओ, फंसा के लाओ, और तुमको मैं भेजूंगा, एंड आई विल सेंड यू फ्री। दिस इज दौलतराम चैनानी'स वर्ड। इसका मतलब है उन दोनों ने मिलकर हमें धोखा दिया है। केविन ने तुम्हारे कंधे पे रख के बंदूक चलाया यूएसए क्या? तुम किसी और को पकड़ो, उसके कंधे पे रख के बंदूक चलाओ और यूएसए जाओ। आई गिव यू फ्री सर्विस बाबा। अरे नहीं नहीं, हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना, तुम हमारा पैसा वापस दो। हाँ, जल्दी दे दूंगा, पैसा दे दूंगा, लेकिन तुम पेपर्स कहाँ से लाओगे? पेपर भी चाहिए ना, यूएसए जाना है कि नहीं जाना है? तीन चार दिन के बाद आओ, मिलो। सैम, हमारा मीटिंग कितने बजे? सर 5 बज गए। अगेन माय जैकेट, कम आफ्टर 4-5 डेज, मीट मी, फिर बात करते हैं, ओके? मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे आप क्यों अपना केस वीक बना रहे हैं सर? यूएस जाना है कि नहीं? साहब के साथ पंगा नहीं लेते, समझाओ अपने पप्पा को। बच्चू भाई, अगर मैंने आपके बेटे के ऊपर क्रिमिनल केस डाल दिया ना, तो ये घर से यूएसए क्या, जेल से वापस घर नहीं आ पाएगा। पापा छोड़िए। तुम ये सब शांति से बात करो ना, कोई भी कदम उठाने से पहले दो बार सोच लो। ये हमारा बड़ा बेटा है। बड़ा छोटा बच्चा जितना चबाता नहीं उतना ही ज्यादा खा जाता, और तुम उसे बड़ा कहते हो? चेनानी से ज्यादा मेरे बड़े बेटे ने फ्रॉड किया, उसने डुबा दिया हमें। क्या जरूरत थी ये सब करने की? किसको दिखाना था तुम्हें? मैं भी आपसे यही सवाल पूछने वाला था, आपकी क्या जरूरत थी हमारे साथ ये सब करने की? आपको किसको दिखाना था? क्या बात कर रहा है भाई, सब पागल हो गया बेवकूफ। हाँ हूँ मैं डफर, डफर ही हूँ मैं। बचपन से आप मुझे यही तो बुलाते हुए आए हो, डफर। अरे 30 साल का एक आदमी जिसकी पत्नी है और जिसे एक बेटा होने वाला है, उसको क्या बुलाते हैं डफर? जो इंसान रिस्क उठाता है और पैसे लाता है खुद के लिए नहीं, आपके यूएस जाने के सपने को पूरा करने के लिए, वो क्या है? डफर है वो। बचपन से मेरी एक इच्छा थी कि आप मुझे एक बार तो कहो कि बेटा तू डफर नहीं है, पर आज आपने भी कह दिया ना कि डफर है तू। पापा, सबके अंदर ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसको आप हमेशा ऐसे मार दोगे ना तो बंदा भी मर जाता है, और ऐसे आदमी को क्या कहते हैं पता है आपको? हाँ हाँ, मैं बेवकूफ ही हूँ, मगर आप कौन हो आप जानते हो क्या? आपने एक बार भी हमसे नहीं पूछा कि बेटा तुझे क्या करना है, कि हरीश तू क्या बनना चाहता है भाई? और मम्मी को तो आप गिनते ही नहीं हो। अरे अपने अधूरे सपनों को जो दूसरों पर थोप देता है ना, उसको स्वार्थी कहा जाता है। सिर्फ बेटा पैदा करने से कोई बाप नहीं बन जाता है, अरे अगर बाप हो ना तो बाप की तरह व्यवहार करो। क्या कारण हो जीने को ना पता, बेत मीठा ना क्या जाइने बेटा जो आज। क्या कारण हो जीने को ना पता, बेत मीठा ना क्या जाइने बेटा जो आज। क्या कारण हो जीने को ना पता, बेत मीठा ना क्या जाइने बेटा जो आज। कहो कौन कौन हिस्सा हो तपासे, कहो कौन कौन हिस्सा हो तपासे, कहो कौन कौन हिस्सा हो तपासे, कहो अब अमेरिका जाने की जरूरत नहीं। तुम मेरे लिए अपना जीवन जीते हो हरीश, अब तुम तय कर लो कि तुम्हें इससे आगे क्या करना है। मुझे अब तुमसे यह बात नहीं सुननी है। अरे
जो करना है करो बेटा, जहां जाना है जाओ बेटा, जिसके साथ रहना है रहो बेटा। यूएस जाने की अब कोई जरूरत नहीं। हाँ हेलो बच्चू भाई, कैसे हो? मुकेश बोल रहा हूँ। बस चल रहा है भाई, बताओ क्या हुआ फिर? हरीश का, अमेरिका का? कुछ नहीं हुआ भाई, अब हमें कुछ और सोचना होगा। मतलब यूएस जाना कैंसिल हो गया अभी? हाँ यूएस नहीं जाना, हम यहीं सेटल हो जाएंगे। तो तुमने फोन क्यों किया? नहीं वो फाइल आप मुझे देकर गए थे ना, उससे हरीश से मिलता जुलता पासपोर्ट आया है, मगर अभी आपको यूएस जाना ही नहीं है तो फिर। अरे मुकेश भाई, मेरे पास दूसरा आदमी तैयार है, कोई बात नहीं। तुम हमारा मजाक नहीं समझ पाए? अरे चल जल्दी करो चल। लेकिन हुआ क्या जिग्नेश भाई? अभी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए, भावना का तत्काल ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक काम करो, फैमिली को कंसल्ट करके इसमें साइन कर देना। मेरी कोई फैमिली नहीं, मैं खुद ही अपनी फैमिली हूं। इस केस में अभी कुछ भी नहीं हो सकता है, मैंने आपको कोई अच्छे इंसान के पास जाने को बोला था। अब क्या होगा? ठीक है फिर, अभी रिस्क तो लेना पड़ेगा। हरीश तू क्या सच में यूएस जाना चाहता है? अरे सोचते रहोगे तो फ्लाइट छूट जाएगी। हाँ मुकेश भाई ये जाएगा, मगर एक बार जरा सोच लो, ये फेक पासपोर्ट है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ठीक है तो फिर आप जरा तैयारियां करो, इतने कम समय में वीजा का पैसा कैसे जमा करोगे आप? इन सब बातों में तो बेफिक्र रहूं मुकेश भाई, दरअसल आपने तो हमारी इज्जत बचा ली। अंकल भाभी कैसी है? जिग्नेश सब ठीक तो है ना? हाँ एक मिनट, जिग्नेश भाई अतुल बोल रहा हूँ मैं, आप जानते हैं क्या कि साहब ने कितने पैसे उठाए? उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज मॉर्गेज कर दी है, उन्होंने आपको बताने से मना किया था, फिर भी मैं बता रहा हूँ, उन्हें जो करना है वो करे, मेरा अब उनसे कोई वास्ता नहीं है। हरीश तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तैयार हो रहे हैं। एक काम करना, जिग्नेश को फोन लगाना, जल्दी से कॉल कर उसे। हाँ हेलो जिग्नेश, हरीश आज रात यूएस जा रहा है, पता नहीं अभी वो कब आएगा। बेटा वो तुम्हारा भाई है, उससे एक बार तो मिल लो। हेलो दूसरा बैग कौन लाएगा? अंकल आप लोग जाइए ना, हरीश को हम लोग अपने साथ एयरपोर्ट ले आएंगे। जाओ लेकिन घूमने मत लगना ज्यादा, और हाँ ये दोनों बैग कार में रख दो। अंकल कोई बात, समझ गए ना? चल आखिरी बार गाड़ी चला ले, फिर पता नहीं चलाने मिले ना मिले। हाँ और रास्ते में बड़ा पाव को लेना है, अरे उठाना है वो जारिया को, जारिया हमेशा खाता पीता रहता है। हाँ क्या बात है जिग्नेश, क्या बात है? हरीश यूएस जा रहा है इलीगली, कभी वापस नहीं आएगा वो। तो देर किस बात की, वो तुम्हारा भाई है और रोको। चल भाई अपने चार में से एक तो गया,
अभी कहाँ वो राम भाई की चाय और हल्दीराम की सिगरेट, देखने ही नहीं मिलेगी अभी। अरे हरीश मैं क्या बोलता हूँ, देख अमेरिका में डिप्रेशन बहुत है यहाँ, तो एक काम करना, तू 10-15 दिन में फोन करते रहना, तू नहीं करेगा तो मिस कॉल मार देना, हम कर लेंगे तेरे को। हाँ ये जिगर सिगरेट निकालना। हाँ आखिरी बार सिगरेट पी लेते एक साथ, सच्ची बात करता है यार ये ले। मुझे दो। यार हरीश सिगरेट पीता है तू, तेरे बाप को पता है ये सब? हाँ पता है, दोनों रोज सुबह एक दूसरे के मुंह पे धुआं मारते हैं। अरे क्या यार तू भी अभी पिए ना पिए क्या फर्क पड़ता है, हाँ? अपना भाई एकदम फ्री हो चुका है सबसे, एकदम खाली कुत्ता हो चुका है छोटा हुआ। ओ, 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 ओ। ए अंदर आजा यार, हमें गिर जाएगा पागल, आजा अंदर, आजा आजा आजा। सेटिंग हो गई, हाँ तब होगी सर। अंकल आप बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हो, भावना को ऐसी हालत में छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाला। डॉक्टर के पास जाएगा तो मुंबई की फ्लाइट छूट जाएगी, अमेरिका जा रहा है वो। अरे बेटा निकल तू जल्दी कर, अरे चल। अरे प्रद्युमन, अरे अब मेरा भी सम्मान होगा भाई, मेरा बेटा तो गया अमेरिका। ओ विश्वास नहीं हो रहा है क्या? तो ये लो अपने समाज के ग्लोबल गुजराती से बात कर लो, क्या कहते हो ईश्वर? ये पागलपन है बच्चू पागलपन। ये है ना, जब तू नहीं गया था तब तो ऐसा कुछ नहीं था, हाँ? बस करो। अबे अब तो हाँ हूँ होगा। अब तू मेरी बात सुनेगा। तुम्हें क्या लगता है अमेरिका में उतरने के बाद ही मैं मोटल किंग बन गया था? ऐसा बिल्कुल नहीं था बच्चू। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी हालत मुझे ही पता थी। अरे हम जो अमेरिका के बारे में जो सपना देखते हैं वैसा कुछ नहीं है वहां। वहां जाकर मैंने बेड की चादरें बदली है। मैंने बार के अंदर बियर के गिलास जो होते हैं उसको धोने का काम किया है। हम जो सपना देखते हैं ना ये असलियत बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। और फिर मेरी बीवी शारदा की मौत के बाद मैंने आयुषी को कितनी मुश्किल से पाला है ये तो सिर्फ मैं जानता हूं। लेकिन तुम्हें से क्या, तुम्हें तो सिर्फ मोटल किंग दिखता। आज भी मोटल किंग के पास सब कुछ है लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं। मैंने बहुत कुछ खो दिया है वहां बच्चू। सबसे जरूरी बात तो ये है कि मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड खो दिया। क्या लगता है तुम इतने दिनों से मैं भारत क्यों नहीं आया? अरे क्योंकि मैं इल्लीगल इमिग्रेशन था वहां, इसलिए मुझे सालों लग गए लीगल इमिग्रेंट बनने में।
और इस दौरान मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया जो कि मैं उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया, समझे। मैं बस अब आयुषी को खुशी देना चाहता हूँ, रिश्ते बनाना चाहता हूँ और उसे बना कर रखना चाहता हूँ सालों भर, लेकिन इसे टूटने में एक पल भी नहीं लगता। अरे हम तो धन्य हैं, हम दोनों तू और मैं, हम साथ में हैं और हमारे बच्चे भी। जरा सोच बच्चों, सोच, और ये सवाल अपने आप से भी पूछ, क्या पाने के लिए तुमने क्या खो दिया है, तुम क्या सपना देख रहे थे, और तुम्हारे इस फालतू जिद में हरीश को इल्लीगल इमिग्रेंट बना दिया गया है, जीवन भर भी वापस नहीं आ पाएगा, और तुम जिग्नेश को तो खो ही चुके हो, तुमने उसे खो दिया है ना, अब तुम दोनों को साथ रहकर भी अकेला रहना पड़ता है, वो भी इसी घर की गली। शांत हो जाओ पापा। आंटी, जिग्नेश भाई कहाँ है? क्या हुआ है जिग्नेश के बारे में? क्या आंटी, हम रास्ते में जा रहे थे तब वहीं पर तीन चार गुंडे आए और हमें बहुत मारा, और मार मार के पूछ रहे थे कि जिग्नेश भाई ने जो पैसा उठाया है इसके लिए वो अब वापस कब करेंगे। हाँ सर, देख रहे हो ना बच्चों, तुम्हारे पागलपन की वजह से सब पागल हो रहे हैं, सब खत्म हो रहा है। नहीं, सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ। कृपया ध्यान दीजिए, यूएस को जाने वाली फ्लाइट के पैसेंजर्स गेट नंबर 11 पर तैयार हो जाएं। यात्री कृपया ध्यान दें, मैनचेस्टर जाने वाली फ्लाइट संख्या 803 उड़ान भरने के लिए तैयार है, कृपया ध्यान दें। आंटी, आंटी आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैंने आपको वीजा ऑफिस में देखा है, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आपको वीजा मिल गया। हाँ, मुझे पासपोर्ट देना। आखिर भगवान ने इच्छा पूरी कर ही दी। आंटी अंकल कहाँ है? जैसा मैंने कहा, आखिर भगवान ने हमारी इच्छा पूरी कर ही दी। मेरे बेटे को तो हालांकि अपना फर्ज निभाना याद नहीं रहा, लेकिन मैं तो माँ हूं ना, इसलिए याद कराने जा रही हूँ। यात्री कृपया ध्यान दें, पैन अमेरिका की उड़ान 575 की सुरक्षा जांच शुरू हो गई है, यात्रियों से अनुरोध है कि वो सुरक्षा जांच के लिए आगे बढ़ें। बेटा, तुम तो सोच समझ के जा रहे हो ना? मना हाथ नी रोटली, ममता
Thank you.